हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं ड्रोन अमेंडमेंट रूल्स 2022 के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि अमेंडमेंट का मीनिंग क्या है। अमेंडमेंट एक्चुअली मीन्स अ माइनर चेंज और एडिशनल टेक्स्ट टू समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। सो ये जो न्यू रूल्स आए हैं, ये बेसिकली अपडेट्स हैं प्रीवियस रूल्स, यानी कि ड्रोन रूल्स 2021 के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स बैन हो चुका है इंडिया में। तो ये एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री को काफ़ी स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ब्रांड्स यानी कि DJI या फिर पैरट ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करें, क्योंकि वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी होते हैं। बट एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट इतना ईजीली इनको मार्केट से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई सॉलिड सब्स्टिट्यूट नहीं है इन ब्रांड्स का एज ऑफ नाउ। बट होपफुली वो हो पाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम मोर मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेड इन इंडिया ड्रोन्स डेवलप करें, एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल ऑन इट। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी लेटेस्ट बजट में ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग सेलिंग रिलेटेड काफ़ी कुछ डिस्कशंस हुए, तो वो एक काफ़ी अच्छी साइन है हमारे लिए। ऑल्दो कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ इस रूल से एग्जम्प्टेड हैं, स्पेसिफिकली R&D, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्पज़ के लिए वो ड्रोन्स इम्पोर्ट कर सकते हैं, बट उन्हें DGCA और सीनियर अथॉरिटीज से क्लियरेंस चाहिए, जो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा। सो सेकेंड अपडेट ये है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31st March। यानी कि अगर आपने ये बैन से पहले ड्रोन इम्पोर्ट किया था या आप लेकर आए थे, तो आप डिजिटल स्काई पोर्टल पे जाके अपना ड्रोन रजिस्टर कर सकते हैं एंड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि UIN ऑप्टेन कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही रजिस्टर किया है एंड ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपके पास, दैट इज़ DAN, तो वो सर्टन फीस भर के आप UIN पे अपग्रेड कर सकते हैं। ऑल्सो ये प्रोसेस के लिए आपके पास आधार कार्ड एंड पासपोर्ट होना कंपलसरी है। एक्चुअली गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है फिगर आउट करने का कि ऑलरेडी कितने ड्रोन्स हैं मार्केट में। बहुत लोग मैंने नोटिस किया है कि वो रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, वो अनश्योर है कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है रजिस्ट्रेशन। बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये रजिस्टर करना काफ़ी सेफ है, क्योंकि आप गवर्नमेंट डेटा बेस में आ जाएंगे। होपफुली वो फ्यूचर में काम आएगा हमारे। सो नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिमोट पायलट लाइसेंस जो था, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है रिमोट पायलट सर्टिफिकेशन से, कुछ ऑथराइज्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही। जो ऑथराइज्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी लिस्ट मैं नीचे बायो में दे देता हूँ, तो आप चेक कर लीजिए कि आपसे नियरेस्ट सिटी में कौन सा इंस्टीट्यूट है। ऑल्सो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं ड्रोन रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू DGCA, ये लिस्ट को छोड़कर किसी और का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी कोर्स या फीस भरने से पहले एक बार ये लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप रिक्रिएशनल यानी कि नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए ड्रोन फ्लाई कर रहे हो एंड आपका ड्रोन अंडर 2 kgs वे करता है, एंड ऑल्सो आपने अपने आप को या एंड ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको सर्टिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। प्रीवियसली नैनो ड्रोन्स को छोड़ के बाकी सबके पास लाइसेंस कंपलसरी था, बट अभी वो सिर्फ कमर्शियल पायलट्स के लिए है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ऑल्सो मेरे हिसाब से ये फाइनल रूल्स नहीं हैं, हम नियर फ्यूचर में और कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी प्रोसेस में हैं। जैसे कि NPNT एक रूल है हमारे लॉज में, जिसके बारे में DJI रेडी नहीं है। सो होपफुली हम कुछ ना कुछ अपडेट देखेंगे ईदर फ्रॉम द गवर्नमेंट और द DJI कंपनी। सो होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग पता चलेगा। ऑल्सो मैं प्लान कर रहा हूँ डिटेल्ड वीडियो बनाने का रूल्स 2021 के बारे में। सो अगर आप वो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं। सो सी यू इन अनदर वीडियो।